नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ 1 प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2 साइन 2 एक्स। इसका दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का। एक जो जनरल दिमाग में बात आती है, पहले वो मेथड देख लेता हूँ उस पर, ठीक है ना, कि साइन एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स जो है ना, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पर ब्रेक कर लिए, हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। और ये रहा साइन टू एक्स, पिछले कुछ सवालों में हमने दिखाया भी था कि साइन टू एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो तो उसको इंटर रिलेट किया जा सकता है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स, यानी 1 प्लस साइन टू एक्स और टी स्क्वायर। तो इस साइन टू एक्स को जहाँ जहाँ साइन टू एक्स दिखाई देगा उसको टी स्क्वायर माइनस वन से हम रिप्लेस कर पाएंगे। तो ये चेंज करेगा 1 प्लस टी इंटू, ये हो गया 1 माइनस, इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 1 बाई 2 इंटू साइन 2 एक्स, और साइन 2 एक्स की जगह लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस वन, समझिएगा। इसको हमने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 डिवाइड किया, 1 बाई 2 रह गया, ये हो गया साइन 2 एक्स, और साइन 2 एक्स का वैल्यू हम लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस वन। राइट साइड में ये हो गया टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर होगा 1 प्लस टी इंटू 1 1 प्लस टी, और फिर टी यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो होगा टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, माइनस रह गया राइट साइड एज इट इज। अब क्या करना है, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 टी, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस टी क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस टी, और यहाँ हो जाएगा 3 टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। फिर सारे टर्म को राइट साइड ले जाइए तो एक क्यूबिक तैयार होता है, टी क्यूब प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 3 टी माइनस 5 बराबर 0। क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हीट एंड ट्रायल से। तो इसका जो 5 का जो फैक्टर है 1 और 5, तो +-1 +-5 पे हम लोग पहले ट्राई करेंगे। तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन -1 सेटिस्फाई कर जाता है। जैसे ही -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3 3 3 6, और -1 -5 -6, तो 0 हो जाएगा। टी बराबर -1 सेटिस्फाई कर रहा है, और टी बराबर -1 सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब टी प्लस 1 क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। तो हम टी प्लस 1 लिख लिए और टी प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व कीजिएगा तो -1 तो आ ही चुका था, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से ये 2 रूट आते हैं। लेकिन आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका वैल्यू देखना है। तो टी जो होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये √2 और -√2 के बीच में रहेगा तभी सोल्यूशन होगा। तो एक ये तो सोल्यूशन दे देगा आपको ये वाला, ठीक है। लेकिन √6 का जो वैल्यू होता है ना, √6 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.44 समथिंग होता है, 2.44 समथिंग होता है, ठीक है ना। और √2 का वैल्यू होता है 1.414, इसका वैल्यू होता है 1.414। तो √6 में जब आप 1 रिडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.44 ये वाला, और ये इससे ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब cos x plus sin x जो है उसका वैल्यू जो आया है √6 -1 वो √2 से ज़्यादा है, और ये -√2 से कम है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो इसी से आपको आंसर निकालना होगा, आप लोग जानते हैं उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ है जनरल मेथड, लेकिन मैं इसका एक बहुत ही शॉर्टकट और फास्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको एक पुराना रिजल्ट है, क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC हो तो इसको आप फैक्टराइज करके इस तरह लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0, ऐसा। और फिर इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करके इसको लिखते हैं 1 बाई 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। तो वही काम यहाँ करिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 1 को लिखते हैं हम लोग 1 क्यूब, ये तो साइन एक्स का होल क्यूब है ही, ये कॉस एक्स का होल क्यूब है ही, -3 बाई 2, इसको लेफ्ट ले आइए, और साइन 2 इसको लिखिएगा 2 sin x cos x इक्वल टू हो गया 0, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर 1 को a मान लीजिए, इसको b, इसको c, तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करके हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए यानी कॉस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा। तो एक तो आएगा इधर
द फर्स्ट फैक्टर इज जीरो, इसको जीरो कीजिए, इसको जीरो कीजिएगा तो आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। और ये हम लोग को अभी आया था पिछले मेथड में ना, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, रूट टू से डिवाइड करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा यहां से आएगा कि वन माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बराबर जीरो होना चाहिए। देखिए कि हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव टर्म मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये नॉन नेगेटिव टर्म्स का समेशन अगर जीरो होता है तो सारे टर्म्स को एक साथ जीरो होना पड़ता है, यानी कि वन माइनस साइन एक्स जो है ये जीरो हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है ये जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वन ये जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए कि फर्स्ट से आएगा वन बराबर साइन वन इक्वल टू साइन एक्स, सेकेंड से आएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और थर्ड से आएगा कॉस एक्स इक्वल टू वन। लेकिन आपको पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक साथ वन नहीं हो सकता है। जब साइन एक्स वन होगा तो कॉस एक्स जीरो होगा, जब कॉस एक्स वन होगा तो साइन एक्स जीरो होगा। तो साइन एक्स अगर वन लेते हैं तो फिर वो कॉस एक्स के बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ से कोई सोल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो यही सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फंडामेंटल बेस्ड है केवल। ये कहता है टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू 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 पावर एक्स प्लस टू टू पावर माइनस एक्स। राइट साइड एक्सपोनेंशियल टर्म है, लेफ्ट साइड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के टर्म्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता है, उसमें कुछ टेक्निक छिपी होती है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अगर हम इसको के मान लें तो ये वन बाई के हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड जो है वो के प्लस वन बाई के फॉर्म में है, और चूंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है तो ये पॉजिटिव होगा। आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जब अपने ही रेसिप्रोकल से ऐड किया जाता है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाती है, ठीक है। अगर इस एंगल को आप थीटा मान लिए तो होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू वन होता है, वो जीरो से वन के बीच होता है, ठीक है, जीरो टू वन ऐसे। और टू मल्टीप्लाई करते हैं तो टू कॉस स्क्वायर थीटा है, जीरो से टू के बीच में है, इसका मतलब एल एच एस जो है वो जीरो से टू के बीच में है, ठीक है। तो आर एच एस ग्रेटर देन इक्वल टू है, एल एच एस लेस देन इक्वल टू है। सोल्यूशन कब होगा? सोल्यूशन एक ही स्थिति में हो सकता है जब एल एच एस भी टू हो और एट द सेम टाइम आर एच एस भी टू हो, ठीक है। बात समझिएगा, आर एच एस की वैल्यू दो है या दो से ज़्यादा है, तो जब ये दो से ज़्यादा हो जाएगा तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू दो है या दो से कम है। अगर ये दो से कम गया तब तो और इसके बराबर नहीं होगा। तो बराबर कब हो सकता है? जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर ले यानी टू के बराबर, और ये अपने मिनिमम वैल्यू गेन कर ले यानी टू के बराबर, ठीक है। तो हम इसमें जो सबसे आसान दिखता है सोल्यूशन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आर एच एस इक्वल टू टू करते हैं, तो आर एच एस बराबर टू कब होता है? जबकि ये के वन हो जाए यानी टू पावर एक्स वन हो जाए, तो उससे एक ही नंबर आता है एक्स बराबर जीरो, ठीक है। लेकिन अब ये एक्स बराबर जीरो एल एच एस बराबर टू को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? एल एच एस बराबर टू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो नंबर आया इसको खाली देख लेना है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो एल एच एस कितना हो रहा है आप देख लीजिए, क्योंकि टू कॉस स्क्वायर जीरो प्लस जीरो बाई सिक्स यानी जीरो, जो कि टू हो जा रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है। इसका मतलब इसका एक ही आंसर है और वो है एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक एग्जाम होता है ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसमें ये आया हुआ सवाल है। कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू वन एंड कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक है और इसी टाइप का एक सवाल इधर भी दिया हुआ है, तो इसको बाद में टैकल करते हैं, पहले ये इजी एसी को देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग सब लोग कर लेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, इसको थीटा है तो थीटा जो एक्स प्लस वाई है ये टू के प्लस वन पाई बाई टू होगा, ये तो क्लियर है ये, ठीक है। दिस इज द सेट बी, चलिए यहाँ के का वैल्यू इंटीजर होता है पता है आपको, यहाँ के बारे में गड़बड़ लग रहा है। तो इसको दो तरह से हैंडल कर सकते हैं, एक तो है कि आप ग्राफ पे चले आइए। तो अगर ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो आपने याद करिएगा कि मॉड वाई को हम लिख सकते हैं वन माइनस मॉड एक्स, ठीक है। और चूंकि लेफ्ट साइड मॉड है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और इसके लिए मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच होगा। तो जब एक्स माइनस वन से वन के बीच है तो ये पॉजिटिव है, और मॉड वाई बराबर जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होता है तो मॉड हटाने पर क्या होता है? प्लस माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी आपको, एक माइनस ले लोगे तो आएगा मॉड एक्स माइनस वन, दूसरा वन माइनस मॉड एक्स, यानी एक तो मॉड एक्स माइनस वन आया, दूसरा उसी का निगेटिव है। मॉड एक्स का ग्राफ पता है इस टाइप होता है ऐसे, और माइनस वन करेंगे तो वन यूनिट नीचे जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ वन पे काटेगा यहाँ माइनस वन पे काटेगा।
और आपको लेना है माइनस वन से वन के बीच में, ये यानी इतना ही दूर आप ले सकते हैं, सिर्फ इतना दूर, ऐसे इतना दूर बस, बाकी नहीं ले सकते। तो इसका ग्राफ जो है वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का जो ग्राफ हमको मिला वो इस टाइप से मिला है, इतना ये माइनस वन, इधर ये प्लस वन, और नीचे यहाँ माइनस वन पर आया तो ऐसे हो गया, और ऐसे यहाँ तक ऐसे, ये वो वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। सेकेंड जो है इसी का एग्जैक्ट नेगेटिव है, तो माइनस लगाने पर क्या होता है, ऊपर वाला जो ग्राफ है वो नीचे चलाता है, नीचे वाला ग्राफ ऊपर चलाता है, तो इसी का इमेज ले लेना है इस एक्स एक्सिस में। तो जो माइनस माइनस का एग्जैक्ट इमेज यहाँ जाएगा वन पे, और ग्राफ ऐसे दिखाई पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से ये हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू के प्लस वन पाई बाई टू, इसमें के इंटीजर है, जैसे मान लीजिए के का वैल्यू जीरो लेते हैं तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसमें एक्स जीरो करते हैं तो वाई पाई बाई टू आएगा यहाँ पर पाई बाई टू, और वाई जीरो करते हैं तो एक्स पाई बाई टू आएगा यहाँ पर पाई बाई टू, ठीक है ऐसे। तो ग्राफ ये हुआ, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई टू का। अगर के का वैल्यू माइनस वन लेते हैं तो माइनस पाई बाई टू आएगा, तब ग्राफ इधर आ जाएगा यहाँ माइनस पाई बाई टू, ऐसे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया माइनस पाई बाई टू, और यहाँ जीरो पर माइनस पाई बाई टू। अगर आप यहाँ के का वैल्यू वन लेंगे तो थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, तो थ्री पाई बाई टू का मतलब ये आगे चला जाएगा, इधर थ्री पाई बाई टू, इधर कहीं थ्री पाई बाई टू, ऐसे। तो ग्राफ इस तरह आ जाएगा ऐसे, तो और नहीं काटेगा। अगर k का वैल्यू माइनस टू लेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और नहीं काटेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि k का सबसे स्मॉल वैल्यू हम जीरो भी लेते हैं तो x प्लस वन इक्वल टू पाई बाई टू पर ये ग्राफ मिलता है जो इसको नहीं काट रहा होता है। अगर माइनस वन लेते हैं तो माइनस पाई बाई टू आता है, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस पाई टू ये लाइन मिलता है, वो भी इसको नहीं काटता है। अब उसके आगे वैल्यू लें वन टू थ्री वगैरह या माइनस टू वगैरह, तो और फर्दर लाइन दूर चलता चला जाता है और नहीं काटता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन का, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। अब इसी को समझने का एक दूसरा तरीका है कि आप क्या करिए कि नंबर सिस्टम से एक रिजल्ट आता है उस पर ध्यान दीजिए। कहता है कि मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये एक रिजल्ट है जो सबको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन, वेक्टर्स में भी आपने इस तरह का देखा होगा रिजल्ट, लेकिन ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर सब पर ये वैलिड होता है, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई वन दे रखा है, इसका वैल्यू वन है, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन होगा, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच होगा, ये सेट ए हुआ। लेकिन सेट बी से हमको मिल रहा है कि एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है, अगर k का वैल्यू जीरो लेते हैं तो पाई बाई टू आता है, माइनस वन लेते हैं तो माइनस पाई बाई टू आता है, यानी प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, इस तरह से आएगा। इसमें कोई भी वैल्यू जो है माइनस वन और वन के बीच नहीं है, इसलिए क्या रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे कि अगर a और b का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा नो सोल्यूशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हुआ। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह अगर बढ़ते हैं हम लोग लेफ्ट, ये राइट साइड में आइए, तो इसको साइन सी प्लस साइन डी पर ब्रेक करिए, होगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू, इधर इसको थीटा मान लिए और साइन थीटा को लिखिए टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू एस, ठीक है। ये टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड लाकर कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स प्लस y बाई टू जो है ये कॉमन हो जाएगा, और हो जाएगा cos x माइनस वाई बाई टू माइनस cos x प्लस वाई बाई टू बराबर जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा sin x प्लस वाई बाई टू इंटू, ये हो जाएगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d कितना होता, होता है टू sin c प्लस d बाई टू, इन दोनों को ऐड किए तो इन दोनों को ऐड किए तो आएगा x, x आ जाएगा और टू से डिवाइड किया तो होगा एक्स बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, हो जाएगा वाई बाई टू बराबर जीरो, ठीक है। तो बारी बारी से लेकर चलते, जैसे मान ली पहले लिखते हैं कि इधर साइन वाई बाई टू बराबर जीरो, तो वाई बाई टू आ जाएगा के पाई, इसका मतलब वाई का वैल्यू टू के पाई आ जाएगा। तो टू के पाई का मतलब क्या हुआ, वाई का वैल्यू हुआ जीरो प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस फोर पाई, इस तरह से,
एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम साइन एक्स बाई टू जीरो करें तो एक्स का वैल्यू भी इसी तरह आएगा, एक्स बाई टू इक्वल टू के पाई, एक्स इक्वल टू टू के पाई, और तब एक्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो प्लस माइनस टू पाई एंड सो ऑन। थर्ड अगर आप लेते हैं साइन एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर जीरो, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा टू के पाई, और तब एक्स प्लस वाई जो है इसका वैल्यू आएगा जीरो प्लस माइनस टू पाई एंड सो ऑन। तो एक ये सेट है, एक ये सेट है, और एक ये सेट। अब देखना है कि वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग देख चुके कि अगर इंडिविजुअली मॉड वाई निकालें और वन माइनस मॉड एक्स करें, इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो करते हैं, तो एक्स आ जाता है माइनस वन टू वन। इसी तरह अगर हम मॉड एक्स निकालेंगे वन माइनस मॉड वाई, इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो करेंगे, तो वाई आ जाएगा माइनस वन टू वन। और जब हम इस पर चलेंगे मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इसकी वैल्यू वन है, तो मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन हो गया, तो एक्स प्लस वाई भी आ गया माइनस वन टू वन। अब एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, और एक रिजल्ट है, इसको देखिएगा, वो यहाँ से निकल रहा है। तो जब हम फर्स्ट में जाएँ वाई इक्वल टू टू के पाई में, तो आपको क्या दिख रहा है कि वाई हमको माइनस वन से वन के बीच मिलना चाहिए। तो इसमें माइनस वन से वन के बीच क्या मिल रहा है आपको, y इक्वल टू जीरो, और यहाँ y इक्वल टू जीरो डालेंगे तो मॉड x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और तब x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस वन। तो दो सॉल्यूशन निकला, वेन y इज जीरो, अब समझिएगा ठीक से, y माइनस वन टू वन आया, इसमें पुट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले में, तो माइनस वन टू वन कौन सा वैल्यू दे रहा है, सिर्फ जीरो दे रहा है, ठीक है। और y जब जीरो हो रहा है तो इसमें y जीरो डाल दीजिए, तो मॉड एक्स इक्वल टू वन हो गया, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस वन, तो दो सोल्यूशन को मिला। फिर आएंगे x पर, x माइनस वन से वन है, तो x का जो रिजल्ट आया इसमें माइनस वन से वन फिर जीरो आया, x बराबर जीरो, इसमें x जीरो डालेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस वन, दो और सोल्यूशन आया। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ दे रहा है x प्लस वाई भी माइनस वन टू वन चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर जीरो लेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, यहाँ y की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो मॉड माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन मॉड माइनस एक्स और मॉड एक्स दोनों सेम है, तो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स इक्वल टू हाफ हो जाएगा, टू मॉड एक्स बराबर हाफ, टू मॉड एक्स इक्वल टू वन, तो मॉड एक्स हाफ, तो एक्स बराबर प्लस माइनस हाफ। इस तरह छह सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा ग्राफ से समझिएगा, तो ग्राफ से देखिए थोड़ा इसको, कि हमारे पास ये ग्राफ मिला है, ये वन नीचे माइनस वन, यहाँ वन यहाँ माइनस वन, ये ग्राफ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू वन का। अब देखते हैं वाई का वैल्यू क्या क्या आया है, तो वाई का वैल्यू आया है जीरो, तो ये हुआ वाई इक्वल टू जीरो ऐसे। तो इस ग्राफ को वाई इक्वल टू जीरो ने दो जगह काटा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दो सोल्यूशन मिल गया, क्या क्या, वन जीरो माइनस वन जीरो, ठीक है। फिर सेकेंड जब साइन एक्स वाई टू हमने जीरो किया, एक्स बार टू के पाई आया, इसमें एक्स का वैल्यू आया जीरो, एक्स बार जीरो कहलाता है वाई एक्सेस, तो ये लाइन गया एक्स इक्वल टू जीरो, वो दो जगह काटा यहाँ यहाँ, तो दो और सोल्यूशन मिला जीरो वन और जीरो माइनस वन। लेकिन इस बात को समझिएगा, वैसे वाई बराबर जीरो के अलावा अगर हम वाई बराबर टू पाई लेते हैं तो टू पाई इधर गया है, या माइनस टू पाई लेते हैं तो माइनस टू पाई नीचे गया है, वो टू पाई या माइनस टू पाई नहीं काट रहा है, तो फोर पाई माइनस फोर पाई तो और नहीं काटेगा, ठीक है। वही हालत यहाँ एक्स बार टू पाई माइनस टू पाई पर होगी, एक्स बार टू पाई लेंगे तो इधर ग्राफ मिलेगा, एक्स बार माइनस टू पाई लेंगे तो इधर ग्राफ मिलेगा, वो इसको नहीं काट रहा है, ठीक है। थर्ड आया एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो यानी वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ से ओरिजिन से जाता है इस तरह से ऐसे, ये हुआ वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये यहाँ काटेगा और यहाँ काटेगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस वन बाई टू वन बाई टू, और यहाँ जो आंसर आ जाएगा होगा वन बाई टू और माइनस वन बाई टू। इस तरह छह सोल्यूशन मिलेगा, वन जीरो माइनस वन जीरो, जीरो वन, जीरो माइनस वन, माइनस हाफ हाफ, हाफ माइनस हाफ, टोटल सिक्स सोल्यूशन, ठीक है। अगला सवाल है, ये रुड़की में पूछा है, रुड़की जब अपना एग्जाम लेती थी तब पूछा हुआ सवाल है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच कॉस टू पावर फोर एक्स प्लस साइन पावर फोर एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो इज वैलिड, ऑल्सो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसको लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को ए मान लिए, साइन स्क्वायर एक्स को बी मान लिए, तो होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा वन, और इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर टू एक्स बाई टू हो जाएगा, बाकी आज रहने दीजिए, फिर सब में माइनस टू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टू, जिसको मैंने यहाँ लिखा, ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा, वो एक साथ लिख दिया,
यहाँ माइनस टू मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स एंड सो ऑन। तो साइन टू एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया है और साइन टू एक्स हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर यानी चार और माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस ये है ना, तो चार दोनों आठ हो जाएगा प्लस में और इंटू वन प्लस अल्फा। ठीक है, अब साइन टू एक्स को ये इसमें से चार कॉमन लेकर बाहर लीजिए और कैंसिल कीजिए, वो रिजल्ट आ जा रहा है। तो एक तो ये क्लियर है कि साइन टू एक्स का ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है ये वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो होना चाहिए, यानी अल्फा ग्रेटर इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू होना चाहिए ताकि ये रियल नंबर मिल पाए। दूसरा एक बात समझेंगे कि साइन टू एक्स का वैल्यू जो है वन प्लस अंडर रूट थ्री प्लस टू अल्फा जो है ये मोर देन वन हो जाएगा, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है और प्लस में है तो ये मोर देन वन कर देगा। जिस समय ये जीरो होगा उस समय वन होगा, तो वो सेकंड सॉल्यूशन में वन माइनस दिस में वो शामिल हो जाएगा, इसलिए कोई नंबर छूटेगा नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बच जाता है हमारे पास साइन टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट थ्री प्लस टू अल्फा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन तभी देगा जबकि ये वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में आ जाइए, माइनस वन से वन के बीच में ऐसा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर माइनस से डिवाइड कीजिए होगा टू बेटा इक्वल टू थ्री प्लस टू अल्फा का रूट बेटा इक्वल टू जीरो, फिर स्क्वायर कर दीजिए फोर ग्रेटर इक्वल टू थ्री प्लस टू अल्फा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, फिर थ्री सब्ट्रैक्ट करिए तो हो जाएगा वन ग्रेटर इक्वल टू अल्फा ग्रेटर इक्वल टू माइनस थ्री, और टू से डिवाइड किया जाएगा माइनस थ्री बाई टू लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, ये आ रहा है। अगर अल्फा इसके बीच में रहता है तो माइनस वन से वन के बीच में ये साइन टू एक्स का जो वैल्यू है माइनस वन से वन के बीच में पाया जाता है और अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू है, इन दोनों का कॉमन लीजिएगा तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी इसी के बीच में सोल्यूशन हो सकता है। तो कहता है जो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा वो ये रहा। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन चूंकि डेटा ये ठीक नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइन टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस जो अंडर रूट थ्री प्लस टू अल्फा है इसको हम लोग मान लेंगे साइन बीटा। ठीक है, फिर आंसर लिखाएगा टू एक्स इज इक्वल टू के पाई प्लस माइनस वन टू पावर के इंटू बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस अंडर रूट थ्री प्लस टू अल्फा ये, और अल्फा हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू से वन बाई टू के बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर ऐसे यहाँ से। ठीक है, और टू से डिवाइड कीजिएगा एक्स निकल जाएगा। ठीक है,